महादेवी शांत हो जाइए। नागराज, आज तक आप मुझे झूठी दिलासा देकर समझाते रहे, लेकिन अब नहीं संभला जाता। बताइए, बताइए कौन है मेरे पिताजी? महादेवी बताइए ना नागराज। महादेवी की आंखों में आंसू बहे और हम आनंद मनाए, ये पाप है। बताइए बताइए कौन है इनके पिता, आपको ये आज बताना ही होगा। बताइए नागराज, बताइए ना। अच्छा तो सुनिए, हमारी महादेवी के पिता कोई साधारण शक्ति नहीं, संसार का कल्याण करने वाले स्वयं भगवान कैलाशपति शंकर हैं। क्या भगवान शंकर? भगवान भगवान शंकर मेरे पिता हैं। पिताजी, आज तक मैं आपको अनेक नामों से पुकारती रही, आज आज मैं आपको सिर्फ पिता कहकर पुकारूंगी। पिताजी दीजिए दर्शन, पिताजी अपनी बेटी मनसा को दर्शन दीजिए। पिताजी दर्शन दीजिए, पिताजी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए पिताजी, दर्शन दीजिए पिताजी, रानी दर्शन दीजिए पिताजी।
भोलेनाथ दर्शन दीजिए पिताजी। अभी तक आपने मेरी पुकार नहीं सुनी पिताजी। अच्छी बात है, मैं आपके त्रिशूल से अपने जीवन का अंत कर देती हूँ। बेटी ये क्या नर्तक कर रही हो? जीवन जीने के लिए, अंत करने के लिए नहीं। पिताजी, बेटी समय बड़ा बलवान है, यही अपनों से दूर करता है, यही अपनों से मिला देता है। भगवान, महादेवी मनसा के कारण आज आपके दर्शन हो गए। बेटी चलो कैलाश, वहां तुम अपनी माँ भाई सब कैलाशवासियों से मिलकर प्रसन्न हो जाओ। चलिए पिताजी। महादेवी ये क्या, जिसका डर था वही सामने आया, आप हमें छोड़कर जा रही हैं। प्रभु महादेवी के बिना नागलोक सूना हो जाएगा। मनसा देवी हमारे जीवन की मणि है, आप हमें छोड़कर मत जाइए। धीरज रखो, मैं शीघ्र ही सबसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। पिताजी सारा संसार तो आपके चरणों में शीश झुकाता है, फिर आपने हाथ जोड़कर किसे प्रणाम किया? जो हर घड़ी हर क्षण मेरी भक्ति में खोया रहता है, मेरा अनन्य भक्त चंद्रधर। चंद्रधर? पिताजी चंद्र को शीश पर धारण करने वाले चंद्रधर तो आप हैं। मुझे अपने हृदय में बसाकर वो स्वयं चंद्रधर बन गया। जल की गंगा मैंने बहाई और भक्ति की गंगा वो बहा रहा है। किंतु पिताजी आपके साथ वो तुम्हारे भाई गणेश, वो तुम्हारी माता पार्वती और कार्तिकेय। और मैं कहाँ हूँ पिताजी? तुम? मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ। उन सबको जो स्थान मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला? पिताजी गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती की तरह मैं भी पृथ्वी पर अपनी पूजा चाहती हूँ। पहले दूसरों के हृदय में अपने लिए श्रद्धा और विश्वास पैदा करो, फिर संसार स्वयं तुम्हारी पूजा करेगा। बेटी गौरी, तुमने अपनी मानस पुत्री मनसा को पहचान लिया? माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी तो और किसे पहचानेगी? माँ बेटी, माँ बेटी, माँ स्वामी, स्वामी मैं तो समझी थी कि आप मेरी पूजा से रूठ कर चले गए, किंतु इस रूठने में भी बेटी से मिलन हो गया, आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। बेटी चलो कैलाश चले। नहीं माँ, मैं कैलाश तभी चलूंगी जब पृथ्वी लोक पर घर घर में मेरी पूजा होने लगेगी। बेटी हट नहीं किया करते। माँ ये हट नहीं, ये मेरा अटल निश्चय है। अच्छा बेटी तुम्हारा निश्चय यही है तो जाओ चंद्रधर के पास, अगर वो अपनी पूजा के पुष्प तुम्हारे चरणों पर चढ़ा देगा तो पूरे भूमंडल पर तुम्हें पूजा का अधिकार मिल जाएगा। पिताजी अधिकार मांगा नहीं जाता, लिया जाता है। चंद्रधर, 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 माया बिनारी कौन हो तुम? नागलोक की देवी शिव कन्या मनसा। भगवान शिव की पूजा में विघ्न डालने वाली,
शिव कन्या कथा भी नहीं हो सकती। जिस तरह शिव का नाम सत्य है उसी तरह मैं शिव कन्या हूँ यह भी सत्य है। जानते हो मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? इस तरह से आने वाला बिना किसी स्वार्थ के कदापि नहीं आता। स्वार्थ नहीं, मैं अपना संकल्प लेकर आई हूँ। गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती से बढ़कर पिता शंकर के समान तुमसे अपनी पूजा चाहती हूँ। ये लो मेरा कलश, इसे स्थापित कर दो। इसमें अमृत नहीं, अहंकार का विष भरा है। मैं इसे कभी स्थापित नहीं कर सकता। चंद्रधर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान शिव की बराबरी करने वाले का मैं सम्मान नहीं कर सकता। चंद्रधर, तुम्हें मेरा सम्मान करना ही होगा। अवश्य मेरे स्वामी किसी संकट में है। भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करना। भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करो। माँ मेरे सुहाग की रक्षा करो। अलका, अब चंद्रधर की कोई रक्षा नहीं कर सकता। उसने मेरा शिव कन्या मनसा का अपमान किया है। शिव कन्या मनसा? भगवान शिव के भक्त मेरे स्वामी ने शिव कन्या का अपमान किया? देवी वे तो उसने मेरी पूजा ठुकराई। देखो उसका परिणाम। स्वामी, दया कीजिए देवी, क्रोध को शांत कर मेरे स्वामी को बचाइए। उनके अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस अभागन पर दया कीजिए। ये लो मेरा कलश, ओम मनसा नमः कहकर इसे भगवान शंकर के पास स्थापित कर। जो आज्ञा। ओम मनसा नमः। अब तो मेरे स्वामी को बचा लीजिए। जय मनसा देवी, जय मनसा देवी। अलका, ये ध्यान में रहे, चंद्रधर आते ही मेरे कलश की पूजा करें। ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। महादेवी की जय। आप बहुत शीघ्र वापस आ गईं। तुम सबको खुशी का समाचार देना। नागलोक की तरह अब धरती पर भी मेरी पूजा होने लगेगी। वह कैसे? भगवान शंकर के परम भक्त चंद्रधर की महारानी ने मेरी पूजा का कलश स्थापित कर दिया है। सच? हाँ, मेरे साथ साथ तुम सबको सम्मान मिलेगा, गौरव मिलेगा। जाओ खुशियां मनाओ। Thank you.
आज ने तो आज खुशी की भी सपने किसी के हुए कमर में थिरक रही है जवानी ओ, चाल में ताल है लोच कमर में थिरक रही है जवानी झूमे अंग उमंग जिया में आई घड़ी सुहानी मन हो के चंचल नाचे बनेंगे सात जन्म के साथी अग्नि के आगे लेंगे वचन देखेंगे सभी बराती कर देंगे अर्पण तुमको ही तन मन कर देंगे अर्पण तुमको ही तन मन कोई न सकेगा तुम्हें हमसे छीन सपने किसी के वापस आ गए। शंकर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे फिर चारों ओर मंगल ही मंगल है देवी मंगल भवन मंगल हार। आयुष्मान भव जीते रहो जीते रहो। तुम्हारी डांडी बहू कहाँ है? वो क्या सुखी रहो मेरी बच्ची हो सुखी रहो। जब तक गंगा और जमुना की धारा बहती है तुम्हारा सुहाग अटल रहे अखंड रहे। उमापति शंकर नमामि श्मीशा निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तम निजम निर्गुणम
भगवान शिव के पास कलश किसने स्थापित किया? उत्तर दो। हमारी शिव भक्ति को चुनौती देने वाली नाग देवी का कलश यहाँ कैसे आया? क्षमा कीजिए स्वामी, नाग देवी मनसा साक्षात शिव कन्या है। उनका मान करने से हमारा मान बढ़ेगा, उनकी पूजा से हमारा कल्याण होगा। हाँ महाराज, सागर के तूफान में जब आप घिर गए थे तो मनसा देवी ने ही आपकी रक्षा की थी। मनसा ने नहीं, स्वयं भगवान शंकर ने हमारी रक्षा की थी। ये मनसा हमें भयभीत करके हमसे अपनी पूजा करवाना चाहती है। स्वामी ये पवित्र कलश यहीं रख दीजिए, नहीं तो मनसा देवी हमसे रूठ जाएंगी। मनसा भले रूठ जाए किंतु भगवान शंकर हमसे न रूठे, ये कलश अभियान नहीं जा सकता। स्वामी मान जाइए। हट जाओ देवी, हट जाओ। मेरी पूजा का कलश? चंद्रधर, तुमने मेरे कलश को नहीं अपने भाग्य के कलश को उठाकर फेंक दिया है। ये केवल महादेवी का नहीं समस्त नाग जाति का अपमान है। चंद्रधर ने अपनी भक्ति के अभिमान में हम सबको चुनौती दी है और हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। तक्षक, भक्षक, वासुकी, तुम सब इसी समय चंद्रधर और उसके छह के छह बेटों का नाश करो। ठहरो, सावधान, परंतु चंद्रधर पर कोई आंच ना आने पाए। अच्छा तो ये बात है, तो हम अपने हाथों से ही भोजन कर लेते हैं। स्वामी आज मेरा व्रत है, हर जन्म में आप ही मुझे मिले यही मेरी कामना है। स्वामी तुम्हारे विवाह का पहला वर्ष पूरा हो गया। सच? प्रिया, स्वामी, प्रिया। बच्चियों, तुम्हारा सुहाग अखंड है, अखंड है। तुम विधवा नहीं हो, सधवा हो। स्वामी विश्वास रखो देवी, हमारे बेटे मरे नहीं, केवल गहरी नींद सो रहे। आपने मेरी बात नहीं मानी, देख लो, देख लो अपनी आंखों से देवी मनसा के अपमान का फल। एक नहीं, छे छे कुल दीपक बुझ गए। नहीं देवी नहीं, हमारे ये दीपक बुझे नहीं है। अरे तुम भूल गई देवी, भगवान शंकर की कृपा से हमारे पास वो मणि है जो बड़े से बड़े नाग के विष को भी हर सकती है। मैं अभी लाता, मैं अभी लाता। दया करो महाराज, मेरे बच्चे को बचा लो महाराज, मेरे बच्चे को बचा।
क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को माँ? सांप ने काट लिया मेरे फूल जैसे बच्चे को मारा। सांप ने काट लिया? हमारा मेरा एक ही बेटा बुढ़ापे का सहारा मारा मारा। मैंने सुना है आपके पास सांप का जहर उतारने वाली मणि महाराज। हाँ माँ, यही है वो दिव्य मणि। महाराज ये मणि देकर मेरे बेटे की जान बचाई महाराज। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी महाराज, कभी नहीं भूलूंगी। देवी देर न करो महाराज, देर न करो। लगता है महाराज को मणि से अधिक प्यार है, प्रजा की कोई परवाह नहीं। ठीक है, मैं समझूंगी महाराज चंद्रधर का धर्म समाप्त हो चुका है, वे अपना कर्तव्य भूल गए। महाराज मैं अपने बच्चे के साथ साथ अपने भी प्राण आपके चरणों में। देवी ये क्या नर्त कर रही हो? देवी प्रजा का जीवन हमारा जीवन है, प्रजा के प्राण हमारे प्राण। ये लो मणि। महाराज पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है, फिर दूसरे के। क्या कह रही तुम्हें शोभा नहीं देता। स्वामी अपने घर में छह छह जवान बेटों की लाशें पड़ी हुई है, आप उन्हें भूल कर एक साधारण बुढ़िया के बेटे को जीवित करना चाहते हैं? नहीं प्रिये, ये साधारण बुढ़िया नहीं है, माँ की ममता में लिपटी हुई एक पूज्य नारी है। लो, इसके पुत्र को प्राण दान दे दो, भोलेनाथ हमारे बच्चों को जीवित कर देंगे। लो लो माँ, जाओ जाओ अपने बच्चे को फिर से जीवित कर लो। जाओ ठीक है, जाओ ठीक। बोले लाग मनसा, तुम अपने आप को शिवकन्या कहती हो, नागलोक की देवी कहती हो और सहारा छिलकपट कर लेती हो। चंद्रधर, धोखे से मणि लेकर तुमने ये सोचा होगा कि अब हमारे पुत्र जीवित न हो सकेंगे, मगर कान खोल के सुन लो, शंकर के पास हमारे पुत्र जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। प्रतिहारी प्रतिहारी प्रतिहारी, राजवैद्य से कहो सबके विष को समाप्त करने वाली संजीवनी लेकर उपस्थित हो शीघ्र। धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, राजवैद्य पहुंचने वाले हैं। No!
तुम्हारे बेटों को जीवित करने वाला राजवैद्य भी चला गया। अब तुम्हारे बेटे कभी जीवित ना होंगे, कभी जीवित ना होंगे। तुम्हारा सुहाग अटल है, भोलेनाथ, भोलेनाथ। स्वामी, नाथ आपके मस्तक पर रक्त। गौरी, ये रक्त मेरा नहीं, मेरे परम भक्त चंद्रधर का रक्त है। मनसा ने उसके छह के छह बेटों के प्राण ले लिए। और आप फिर भी शांत है स्वामी, कहीं इससे चंद्रधर का विश्वास न डगमगा जाए। नहीं, इससे तो उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। तो क्या चंद्रधर मनसा की पूजा नहीं करेगा? क्या चंद्रधर मेरी पूजा कभी नहीं करेगा? क्या पृथ्वी पर मेरे नाम के मंदिर नहीं बनेंगे? क्या धरती पर कोटि कोटि कंठों से मेरे नाम की जय जयकार नहीं होगी? नहीं होगी। बाय, अभी से निराश हो गई मनसा? ये मत भूल के तू नागलोक की देवी है। मनसा, याद रख, तू भगवान शंकर की पुत्री है, भगवान शंकर की पुत्री है। मनसा, तेरे पास क्या नहीं शक्ति है, माया है, तू क्या नहीं कर सकती? सूर्य, चंद्र, तारों तक की गति बदल सकती है, किंतु चंद्रधर के हृदय को कैसे बदला जाए? एक प्रयत्न और कर। अलका तेरी परम भक्त है, उसकी सुनी गोद में फिर से ममता का फूल खिला दे। इससे क्या होगा? तेरा दिया हुआ बालक चंद्रधर के मन में तेरी भक्ति अवश्य जगा देगा। फिर धरती पर तेरी पूजा होगी, तेरी विजय होगी। मेरी पूजा, विजय, अलका। भगवान, मेरे छह छह बेटों के चले जाने के बाद भी मैं अभी तक जीवित हूँ। मुझे भी इस संसार से उठा लो भगवान। अलका, तुम्हें जीवित रहना होगा। मनसा देवी, आप ही बताइए, मैं किसके सहारे जीवित रहूं? मेरी कोख सूनी हो गई, माँ होकर मैं माँ ना रही। तुम फिर से माँ का सुख देख सकती हो, तुम्हारी सुनी गोद फिर से भर सकती है। मनसा देवी, किंतु उस खुशी को पाने के लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन? तुम अपने भावी बेटे के साथ मिलकर सदा इस बात का प्रयत्न करोगे कि चंद्रधर अपनी हट छोड़कर मेरी पूजा करने लगे। मैं वचन देती हूँ, इस बार स्वामी का हृदय अवश्य बदल कर रहेगा। तो लो ये प्रसाद, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवी, क्या बात है देवी, आज बहुत दिनों में तुम्हें इस तरह प्रसन्न देख रहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रसाद साक्षात माता शक्ति ने दिया है। माता शक्ति ने? हाँ, आप शीघ्र ही बेटे का मुंह देखेंगे। ये प्रसाद अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए।
लक्ष्मेंद्र का पूरा पूरा ध्यान रखना। विश्वास रखिए स्वामी, हमारा बेटा अवश्य महान बनेगा। तथास्तु। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर हर हर, हर हर शंकर, शंकर हर हर, हर हर शंकर। सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यूं ही सोच रहे थे घर से निकले हुए कितना समय बीत गया। अब तो शंकर के पास ही हमारा लक्ष्मेंद्र जवान हो गया होगा। जंगल को अपने रूप की किरण से जगमगाने वाले आप कौन हैं? तो आपने सवाल पर सवाल किया, जवाब नहीं दिया। जो लाजवाब है उसे मैं क्या जवाब दूं? मैं चाहता हूं। क्या? आप क्या चाहती हैं? मैं ये क्या किया? जो मन ने चाह। ये फूल श्रद्धा के फूल है। आपका नाम अगर ना बताऊं तो मैं समझूंगा इन फूलों में श्रद्धा नहीं। मैं बेहुला। और मैं लक्ष्मीन्द्र।
ये फूल? श्रद्धा के फूल। आपका नाम? अगर ना बताऊं तो मैं समझूंगा इन फूलों में श्रद्धा नहीं। बेवला, नींद नहीं आ रही है? मेरी नींद तो तुमने चुराई। मैंने? हाँ, दो पल के मिलन में मैं अपना सब कुछ खो बैठी। जब से तुम्हें देखा मन दर्पण में तुम्हें तुम दिखाई देते हो। मन दर्पण झूठ भी बोल सकता? जिसमें तुम समाए हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझ पर इतनी श्रद्धा? अनादि काल से स्त्री पुरुष पर श्रद्धा करती आई है, यही तो उसका श्रृंगार है। तो क्या तुम मेरे साथ जीवन पथ पर चलोगी? अवश्य चलूंगी, परछाई की तरह अनंत काल तक। विश्वास रखूं? हाँ। तो वचन दो। लेकर हाथ में हाथ चलूंगा मैं सजनी के साथ। मैं ना तू? इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रीतम को याद किया और वे आ गए। तू नहीं मानेगी, मैं मानू या ना मानू किंतु गौरी माँ को जरूर मना लेना। कल ही गौरी तीजे, दिल में जो इच्छा हो वही मांग लेना, फिर तो कल्याण ही कल्याण। अब तू जाती? गौरी तीज, क्या वो मुझे मिलेंगे? जुग जुग जियो, संसार में जोड़ी तो सबकी होती है किंतु नाग और नागिन की जोड़ी निराली होती है। जाओ निराले प्रेम की निराली दुनिया में खो जाओ, खो जाओ। से क्या मांगा? मांग का मोती। कहाँ है वो? दिखाई नहीं जाता। उसका नाम? ये भी बताया नहीं जाता। इतना बड़ा रहस्य? नारी स्वयं एक रहस्य है। और पुरुष? एक ऐसा खिलाड़ी जो आज तक अनाड़ी बना रहा। फिर भी वो नारी का सहारा है। कैसे? ऐसे। साथ है इतना प्यारा, कम है ये जीवन सारा। आएंगे जग में दोबारा। मैं नदिया की धारा, बाही तेरी किनारा, देता चल मुझको सहारा। Thank you.
है इतना प्यारा, कम है ये जीवन सारा, आएंगे जग में दोबारा। तू गंगा मैं प्यासा पन घट हूँ, रूप रंग रस की तू गंगा मैं प्यासा पन घट हूँ, और पास आने को तरसू यूं तो बहुत निकट हूँ। जीवन मेरा तूने सवारा, आएंगे जग में दोबारा। साथ है इतना प्यारा, कम है ये जीवन सारा, आएंगे जग में दोबारा। वो देखो वो। स्वामी आंखें खोलो, आंखें खोलो स्वामी, स्वामी, नहीं, 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 स्वामी। लक्ष्मेंद्र, हमारे साहसी नाथ को हम शीघ्र से शीघ्र अपने पुत्र लक्ष्मेंद्र से मिलना चाहते हैं। जहाज की गति और बढ़ा दो। हाँ
चंद्रधर। लक्ष्मेंद्र से मिलना चाहते हो? मनसा, तुम इतने वर्षों के पश्चात। आश्चर्य न करो चंद्रधर, वर्ष चले गए लेकिन मेरा संकल्प नहीं गया। सृष्टि में बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। आशा करती हूँ तुम्हारे हृदय में भी परिवर्तन हो गया होगा। परिवर्तन सृष्टि में होता है, सृष्टिकर्ता के सेवकों के हृदय में नहीं, अब चंद्रधर के कदापि नहीं। फिर वही उत्तर, चंद्रधर तुम्हारे शीश पर विनाश की काली घटा मंडला रही है। काली घटा मंडलाएगी और फिर चली जाएगी, किंतु तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। नहीं होगी तो देख। ये बेहुला और मैना? माताजी मैना? हाँ, वो जंगल की बोलती मैना। कू कू चुप। और बेहुला? बेहुला कर भला हो भला। मुझे बनाता है। सच सच बता बेटा, कौन है? ठहरो, बता कौन है? बताता हूँ माता जी, पहले ये बता। वो है वो है महाराज राधा मोहन की सुंदर कन्या। महाराज राधा मोहन की कन्या? हाँ माँ। बेटा, उसके रूप गुणों की चर्चा बंग देश में ही नहीं सारे भारत में फैली हुई है। कितना अच्छा हो यदि वो इस घर की बहू बन जाए। चलता भी नहीं क्या? लो बाबा, ले लो ना बाबा। सोच क्या रहे हो? तुम्हें जो चाहिए सो मांगो। महाराज चंद्रधर के द्वार से कोई निराश नहीं लौट सकता। ले लो बाबा।
अरे कुमार देना चाहता तू लेता नहीं है, देख क्या रहा है, कहीं ने नजर लगाएगा? अरे ले ले। चल हट यहां से, लेता भी नहीं, लेने देता भी नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ये तो महाराज की आवाज हो स्वामी। देवी बेटा लक्ष्मीन्द्र तेरे पिताजी। पिताजी 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 पुत्र पिताजी पिताजी कितने वर्षों के प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन हुए और अभी इस रूप में मैं कितना भागा, मैं कितना भागा, पुत्र होकर पिता को दान देने चला। नहीं पुत्र, ऐसे न कहो, ऐसे न कहो। एक पिता के लिए इससे बड़े भाग्य और क्या हो सकते कि वो अपने पुत्र को दान देते हुए देखे। मैंने आज सब कुछ पा लिया बेटे, सब कुछ पिताजी। महाराज चंद्रधर की जय, कुमार लक्ष्मेंद्र की जय। हमारे पुत्र की पसंद ही हमारी पसंद है। सावित्री और सीता से गुणवती बेहुला ही इस घर की बहू बने। स्वामी फिर देर किस बात की, आप बेहुला के पिता से मिलकर इस संबंध में बात कर लीजिए। लक्ष्मीन्द्र दामाद के रूप में हमें मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो ये संबंध आपको स्वीकार है? अवश्य स्वीकार है। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारी बात रख ली। आपकी बात टालने की शक्ति किसमें है? सौभाग्य। बेटी प्रणाम करो। आयुष्मान भव पुत्री, हम अपने प्रिय पुत्र का विवाह किस धूमधाम से करते हैं। और उसी मंगल बेला में आप मनसा देवी का कलश भी स्थापित कर दीजिए। मनसा मनसा मनसा। स्वामी स्वामी हमारा बेटा मनसा देवी का ही वरदान है। सदा अभिशाप की ज्वाला उगलने वाली मनसा वरदान कहां से देगी। हम एक बार नहीं कई बार कह चुके, इस घर में मनसा का कलश स्थापित नहीं होगा। बार बार मेरा अपमान करने वाले चंद्रधर, मैं भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। मनसा देवी। नाग देवी मनसा। चंद्रधर, मैंने तुम्हें लक्ष्मेंद्र इसलिए दिया था कि तुम अपनी हट छोड़ दोगे। यदि तुम्हारा निश्चय अटल है तो मैं भी अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। विवाह की पहली रात को ही तुम्हारा ये बेटा भी नाक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्वर्धन। महाराज महाराज आप यहां, मुझ निधन के यहां। मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं, आप अपनी अनुपम कला से एक ऐसे अनोखे लोगे का निर्माण करें जिसमें कोई भी नाग प्रवेश न कर सके। जो आज्ञा महाराज, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे इस योग्य समझा। आप निश्चिंत रहे महाराज, उस लोह गृह में नाग तो क्या चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। मुझे विश्वास। जय भोलेनाथ। महाराज राजकुमारी बेहुला को बुलाया। ठहरो। रोक दो इस विवाह को, ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। अलेखा। स्वामी नाग देवी मनसा के क्रोध की आग में पहले ही 6 बेटे भेंट चढ़ा चुकी हूँ। अब आप क्या ये चाहते हैं विवाह की पहली रात को ही
मनसा का भेजा हुआ नाग मेरे लक्ष्मेंद्र को डस ले। देवी नहीं स्वामी, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। माँ मनसा के भय से मेरा मुंह छोड़ दो। माँ पिताजी की प्रतिष्ठा का सवाल है, पिताजी के लिए इस जन्म में तो क्या, बार बार जन्म लेकर भी यदि अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। माँ तुम झुक झुक जियो मेरे लाल। पिताजी किंतु बेटा तुम्हारी छह छह भाभियां विधवा बन चुकी है, क्या बेहुला भी? कभी नहीं। अच्छा हुआ आपने समय पर आके हमारी आंखें खोल दी। लक्ष्मेंद्र और बेहुला का विवाह नहीं होगा। ऐसा न कहिए राजीव, ऐसा न कहिए। ये हमारा अंतिम निश्चय है। जाइए बारात वापस ले जाइए। नहीं, ऐसा अनर्थ होने से पहले मैं अपने प्राण दे दूंगी। बेहुला। हाँ पिताजी, अब तो इनके चरणों में ही मेरा संसार है, यही मेरे सर्वस्व है। मैं इनके बिना अब जी नहीं सकती। बेटी भूल जाए इसे और उस सच्चाई को पहचान जो सामने आने वाली है। नागदेवी मनसा विवाह के पहली रात में ही लक्ष्मेंद्र को। पिताजी, मैं अपने जीते जी इन पर आश नहीं आने दूंगी। मैं उस मृत्यु से भी लड़ जाऊंगी जो मुझसे मेरा सुहाग छीन लेना चाहती है। बेटी ये केवल तेरी भावना है। भावना नहीं, मेरा विश्वास है माँ, एक नारी का विश्वास। ये वो कभी न बुझने वाली मशाल है जो हजारों वर्ष पहले सावित्री ने जलाई थी और जो आज भी जल रही है। बेटी माँ, बेटी माँ, मैंने माता गौरी को साक्षी रखकर इन्हें अपने मन मंदिर का देवता माना है। यदि इस पवित्र वेदी पर ये मुझे जीवन साथी के रूप में नहीं मिले तो मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगी। नहीं बेटी, नहीं स्वामी। बेटी मैं एक पिता हूं, किंतु तेरे निश्चय के सामने मेरे निश्चय का कोई मूल्य नहीं। लक्ष्मेंद्र तेरा है और तेरा ही रहेगा। धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो, हमारा आशीर्वाद है। अचल रहे सुहाग तुम्हारा जब लग गंग जमन जलधारा। चिंता ना करो बेटी, हमने लक्ष्मेंद्र की रक्षा के लिए एक ऐसे लोकगृह का निर्माण किया है जिसमें नाग तो क्या एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती। महादेवी, 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 क्या है नेत्री? क्या आपके होते हुए मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? क्या लक्ष्मेंद्र को डसकर मैं अपने पति का बदला ना ले सकूंगी? नागिन अपना बदला अवश्य लेकर रहती है, किंतु उसकी रक्षा के लिए चंद्रधन ने लौह ग्रह का निर्माण कराया है। वहां मैं तो क्या हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा सुरक्षित महल बनाकर मेरी शक्ति से टक्कर लेने वाला कौन है वो कलाकार? विश्ववर्धन, उसकी इतनी हिम्मत? विश्ववर्धन, मैं नागदेवी मनसा। नागदेवी मनसा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन हुए। यदि तुम भला चाहते हो तो अपने बनाए हुए लोह गृह में नाग के प्रवेश के लिए मार्ग बना दो। नाग के लिए मार्ग? नहीं नहीं माता, ऐसे कठोर आज्ञा ना दीजिए, ये अनर्थ है। विश्ववर्धन। माता मैं कलाकार हूं, अपनी कला और महाराज चंद्रधर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कला, चंद्रधर, ओह
मूर्ख कलाकार, मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो तेरा जीवन पल भर में मृत्यु में बदल जाएगा। भले ही बदल जाए, किंतु मैं अपने कर्तव्य को न छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? अब भी मान जा। नहीं, मैं आज तक कला के लिए जिया हूं और आज उसी कला के गौरव प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। नागराज प्रकट हो। ये देखो, ये कौन? विश्ववरत है, मृत्यु की गोद में सो गया। तुम जाओ लोह गृह में, नाग प्रवेश का मार्ग बनाओ। मैं इस रूप में? ये असंभव है। असंभव भी संभव बन जाएगा। अब तुम नागराज नहीं, विश्ववर्धन हो। निर्भय होकर अपना कार्य पूरा करो। जाओ। विश्ववर्धन, तुम यहां इस समय? क्षमा कीजिए महाराज, वरवधु के प्रवेश करने से पहले एक बार मैं लौगरे को और अच्छी तरह देख लेना चाहता हूं, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। धन्य हो कलाकार, सच्चे कलाकार के यही लक्षण है, जहां जिस समय अपनी कृति में कमी त्रुटि देखे उसे सुधार ले। हमें अपनी लक्ष्मी इंद्र की रक्षा करनी है किसी भी कीमत पर। देर कर दी। महाराज, कलाकार अपना कर्तव्य पूरा कराए? हाँ महाराज, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें संतोष हुआ। मैं आप क्या चाहूंगा महाराज? पधारो, सुखी भाव। आओ बच्चो, आओ। आयुष्मान भाव, सुखी भाव। लक्ष्मेंद्र, लोगों का कोना कोना देख लिया, हर दृष्टि से सुरक्षित है। और फिर और सबसे अधिक तुम्हारी रक्षा करने वाली ये जो तुम्हारे साथ, हमारी लाडली बहू। पिताजी, अपने पति के साथ निर्भय होकर जाओ बहू। सूर्य की पहली किरण के साथ हम तुम दोनों को आशीर्वाद देने आएंगे। सुखी भाव, सुखी भाव, सुखी भाव।
भी विश्राम करो देवी। और आप? मनसा के भेजे हुए किसी भी नाग का दमन करने के लिए हम जागते रहेंगे। जाओ देवी, विश्राम करो। महादेवी मनसा की जय हो। महादेवी, लोग रहे की दीवार में काल का मार्ग बन चुका है। काल, मृत्यु, लक्ष्मेंद्र, अब वो घड़ी आ गई है जिसकी मुझे इतने दिनों से प्रतीक्षा थी। मैं नेत्री हूं, जहरीली नागिनी, आज तेरे खून में अपना जहर भर दूंगी, अपने पति की तरह तड़पा तड़पा कर तेरे प्राण ले लूंगी, तुझे सांस तक नहीं लेने दूंगी। मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। जाओ। आज मेरे सपनों के फूल मुस्कुरा उठे। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। और मैंने भी, मैं इस रात की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। देवला, क्यों परेशान हो रही हो? इस लौ ग्रह में कोई नहीं आ सकता, चिंता ना करो। आओ बेवला, ये प्रेम की घड़ियां फिर कभी नहीं आएगी। ये हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात? नहीं स्वामी, आज तो मेरा सुहाग व्रत है। आप आराम से सो जाइए, सो जाइए ना। और तुम क्या अकेले जागती रहोगी? नहीं, लक्ष्मेंद्र, पहचाना मुझे? मैं वही नागिन हूं, नेत्री, जिसके पति को तुमने अपने रथ के पहिए के नीचे कुचल दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। नागिन पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। आज मैं तेरे प्राण लेकर ही जाऊंगी। इससे पहले तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। स्वामी, इन्हें न मारे, तलवार फेंक दीजिए। आपको मेरी सब बेहुला बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तुम भी अपना क्रोध त्याग कर वापस चली जाओ। नहीं, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी।
सुने अब तक न छेड़ी शहनाई, अंग पिया के न मैं लग पाई, जी भर के अभी पी को न देखा, फैली नहीं अभी कजरे की रेखा, हल्दी का भी रंग छूटा, जुड़े का एक फूल न टूटा, हाथों की मेहंदी रोए बिंदिया पुकारे, नागिन जा बस अपने द्वारे, नागिन जा बस अपने द्वारे। तुझको सामना सती का करना होगा, पति को डसने से पहले तुझे मुझको डसना होगा, बदला लेकर तुम बदले की आग बुझा न सकोगी, मन का चैन तो तभी मिलेगा जब तुम क्षमा करोगी, तुम भी हो अपने द्वारे, ए नागिन जा बस अपने द्वारे, मेरे पिया मेरे प्राणों से प्यारे, ए नागिन जा बस अपने द्वारे। शक्ति से नहीं होता वो तुम्हारे प्रेम ने कर दिखाया। आओ बेवला। फिर क्या सोच रही हो, अब तो तुम्हारा स्वागत पूर्ण हो चुका। नहीं स्वामी, अभी पूर्ण नहीं हुआ, रात बहुत बीत चुकी है, आप सो जाइए। अच्छा बेवला, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तीसरा प्रहर।
लक्ष्मीन्द्र को बिना डसे चली आई? कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? बेहुला की भावना भरी प्रार्थना में मेरी प्रतिज्ञा खो गई। मेरे आंसुओं की धारा में क्रोध की आग बुझ गई। किंतु मेरे मन में क्रोध की आग और भभक उठी है। नेत्री, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नहीं, मैंने एक नारी के विश्वास की रक्षा की है। महादेवी, मैंने जो कुछ वहां देखा अनोखा था। लौह ग्रह की काली दीवारी भी सती बेहुला की तेज से जगमगा रही थी। मेरी जगह यदि आप भी वहां होती तो उस देवी के सामने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका देती। कभी नहीं, मैं अपना नहीं दूसरों का मस्तक झुकाना जानती हूँ। मैं मनसा हूँ। मैं जानती हूँ आप एक पत्नी के रूप को कभी नहीं समझ सकते। आप नहीं जान सकती मांग में भरे हुए सुहाग सिंदूर का क्या मूल्य है। मैं तो क्या, मुझ जैसी हजारों लाखों स्त्रियां उस महासती पर निछावर है। चुप रहे, मुझे शिक्षा चाहिए। मैं ऐसे नागलोक में रहना भी नहीं चाहती जहां आपकी छाया में दया नहीं, प्रेम नहीं, झूठा अहंकार है। जागते रहो। हमारे लिए सबका संदेश लेकर आया। देखो
मेरी मांग के सिंदूर उसी तरह उज्जवल है। मेरे हाथों की मेहंदी अभी तक खिली हुई है। देखो मां, देखो। बहू रानी। पिताजी धीरज रखिए, पिताजी धीरज रखिए, शांत हो जाइए मां, कोई रोना नहीं। ये दुख एक दिन सुख में बदल जाएगा। आज श्रावण पंचमी है, आने वाली श्रावण पंचमी के दिन सावित्री की तरह मैं भी अपने पति को जीवित रूप में लेकर आऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, जहां विश्वास है वहां विजय है। तुम्हारा विश्वास अटल रहे, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। ना जाने तेरे भाग में क्या है, कल थी डोली आज चिता है, कल थी डोली आज चिता है। भारत की नारी है तू, तेरे लहू में सीता है, कर्मों में तेरे गीता है। विपताओं से हार न जाना, मौत को भी तूने जीता है। भारत की नारी है तू, कर्मों में तेरे गीता है। विपताओं से हार न जाना, मौत को भी तूने जीता है। भारत की नारी है तू। बुझे दिए पर भी बिट जाए, प्यार है तेरा ऐसा पतंगा। बुझे दिए पर भी मिट जाए, प्यार है तेरा ऐसा पतंगा। जिसको छू ले पावन कर दे, तेरी रगों में बहती है गंगा, तेरी रगों में बहती है गंगा। भारत की नारी है तू, तेरे लहू में सीता है, कर्मों में तेरे गीता है। विपताओं से हार न जाना, मौत को भी तूने जीता है। भारत की नारी है तू। Oh.
मुझ पर दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मुझ दुखिया पर दया करो। सागर के तूफानी लहरों में मुझसे मेरे पति बिछड़ गए, मुझे उनसे मिला दीजिए, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए प्रभु, मुझे उनसे मिला दीजिए। चुप क्यों हो प्रभु, चुप क्यों हो? क्या आप मेरी करुण पुकार नहीं सुनेंगे? क्या आपके होते हुए मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा? बोलो बोलो, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके सामने ही सर पटक पटक कर मैं अपने प्राण दे दूंगी। बोलो बोलो, नहीं बोलते, नहीं बोलते। ठहरो, देवी, इस तरह सर पटकने से तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। तो फिर धैर्य और कर्म के बल पर भाग से भारतवर्ष के पवित्र तीर्थ जगन्नाथपुरी की यात्रा कर चुकी है। अब रामेश्वरम, द्वारकापुरी, श्री बद्री धाम की यात्रा पूर्ण करो। भगवान तुम्हारा संकल्प अवश्य पूरा करेगा। किंतु किंतु मेरे स्वामी, स्वामी के सिवा। अभी अभी मैंने सागर के किनारे एक स्वरूपवान युग के शव को देखा था। स्वामी, 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 आप मिल गए, आप मिल गए स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। पति भक्ति में तू सावित्री, राधा जैसा तेरा प्यार। पति भक्ति में तू सावित्री, राधा जैसा तेरा प्यार। तेरी शक्ति के आगे तो सदा झुका है ये संसार, सदा झुका है ये संसार। भारत की नारी है तू, तेरे लहू में सीता है, कर्मों में तेरे गीता है। देवताओं से हार न जाना, मौत को भी तूने जीता है। भारत की नारी है तू। बेहुला, तू कभी जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम तक न पहुंच सके। मनसा की शक्ति, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। भगवान रामेश्वरम की यात्रा करने वाले हर यात्री की सहायता करना मेरा धर्म है। पति को प्रणाम। अब तुम्हारी रामेश्वरम यात्रा को
कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। मैं रामेश्वरम तक पहुंच गए। प्रभु, ये तुम्हारी कैसी लीला? जय पति परमेश्वर। भोलेनाथ, दर्शन करके मेरी दूसरी यात्रा भी सफल हो गई। सफल हो गई प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 क्या बेहुला दूसरे धाम रामेश्वरम तक पहुंच गई? सती के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। किंतु वो द्वारकाधीश के दर्शन कभी न कर सकेगी। कभी न कर सकेगी। कभी न कर सकेगी। द्वारकाधीश द्वारकाधीश। प्रभु, बंसी बजाइया, अपने भक्तों के अवश्य सुनते हैं। मुझे मुझे धीरज देने वाले आप कौन महापुरुष है? महापुरुष नहीं, पागल प्रेमी, रूप का प्यासा। भगवान श्री कृष्ण के रूप का प्यासा। आओ मेरे साथ। कहाँ? प्रेम मंदिर, जहां घनश्याम बसते हैं, जहां रास होता है, महारास। नहीं समझी? द्वारिकाधीश का मंदिर, अब तो समझी? आओ, आओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
यही है द्वारिकाधीश का मंदिर। हाँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बस बस इतना उपकार और कीजिए, मुझे मुझे प्रभु के चरणों तक पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए ना। आओ, आओ। प्रभु तुम्हें देखकर मस्ती में मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ है मेरे भगवान, कहाँ है, कहाँ है? मत, मैं ही तुम्हारा प्रभु। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तो आंखें खो कर अंधी हूं, पर तू आंखें होते हुए अंधा बना है। तेरे रूप ने मुझे अंधा बना दिया है। मारी मारी फिरती रहूंगी, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, आपके दर्शन नहीं होंगे? अवश्य होंगे। कौन कौन है, कौन है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। तुम? हाँ हाँ, मैं। डरो नहीं मैया। मैया? किंतु बालक, कौन हो तुम? मैं गोपाल, ग्वाला, गौवें चराने वाला। पहले गोकुल वृंदावन में भटकता था, अब द्वारकापुरी में। चलो।
हाँ चलो आस्ते आस्ते। मैया यही है द्वार के देश का मंदिर। अपने सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, भगवान तो बहुत दयालु है। जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हे द्वारकाधीश, आपकी महिमा अपरंपार है, क्या मैं आपके चरणों तक आने पर भी आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? हे कृपा निधान, मेरी इन आंखों में प्रकाश देकर मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु मैं देख सकती हूँ प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। स्वामी 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 स्वामी, सुना आपने, मेरी तीसरी यात्रा भी सफल हो गई। हाँ मेरी तीसरी यात्रा भी सफल हो गई स्वामी। मनसा ने तुम्हारे पति को तुमसे दूर कर दिया था,
मैं लक्ष्मीदेव को तुम्हारे पास लाई हूँ। स्वामी स्वामी नेत्री नेत्री तुम धन्य हो। वो देखो भगवान बद्री विशाल का मंदिर, चौथा धाम, प्रभु को अर्पित किए हुए तुलसी पत्र, श्रद्धा पूर्वक अपने पति पर चढ़ाओ, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। जाओ। हमारी यात्रा सफल हो गई। मैं अभी जाकर प्रभु को चढ़ाई हुई तुलसी लेकर आती हूँ। उसे अब जीवित हो जाएंगे। उसे अब जीवित हो जाएंगे। उसे अब जीवित हो जाएंगे। आत्महत्या करना पाप है। पाप? हाँ। किंतु आपने मुझे कैसे पहचाना? जिसे चारों धाम ने जान लिया, धरती के कण कण ने पहचान लिया, क्या उस दिव्य मूर्ति को मेरी आंखें न पहचानेगी? बेटी, चारों धाम के दर्शन से जो तुम्हें पुण्य मिला है, उसकी शक्ति से तुम सदैव यमलोक जाओ। यमलोक? हाँ, सावित्री की तरह तुम भी अपने पति के प्राण वापस ले आओ। जाओ। ओम पति परमेश्वराय। देवी, धैर्य धरो देवी,
कल ही तो है वो शुभ दिन जब हमारी पुत्र वधु हमारे प्यारे लक्ष्मेंद्र को फिर से जीवित रूप में लेकर हमारे पास लौटेगी। लक्ष्मेंद्र चंद्रधर, देख लो अपने बेटे को, हजार प्रयत्न करने पर भी बेहुला इसे जीवित न कर सके। अब भी समय है चंद्रधर, मेरी पूजा का कलश स्थापित कर। कदापि नहीं, कदापि नहीं। अलिका, रो मत अलिका, आंसू पोंछ लाल, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये माया जाल है जो इस नाग देवी ने रचा। हमारी बहू हमारे पुत्र को जीवित रूप में लेकर आएगी, अवश्य लेकर आएगी, अवश्य लेकर आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। रुक जाओ, ये यमलोक का द्वार है, यहाँ पृथ्वी का कोई भी जीवित प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं यमराज से मिलकर ही जाऊंगी। ओम पति परमेश्वराय नमः। पृथ्वी से यमलोक तक सदैव आने वाली सती बेहुला, तुम महान हो। यमराज। देवी, हम तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने पति लक्ष्मेंद्र के प्राणों के सिवा जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यमराज, एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। जहां भी मेरे पति की देह हो उसमें जीवन जो जगा कर मुझसे मिला दीजिए। ये काम हमारी शक्ति से बाहर है देवी, तुम भगवान ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक जाओ, संसार को बनाने वाले तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव प्रभु, प्रभु प्रभु सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, मुझे मेरे स्वामी से मिला दीजिए, मुझे मेरे स्वामी से मिला दीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो केवल सृष्टि का सर्जनहार हूँ, पालन करता तो भगवान विष्णु है, तुम उनकी शरण में वैकुंठ धाम जाओ। भगवान विष्णु, भगवान ये क्या, ये कैसा चमत्कार, आप बेचैन क्यों हैं? सती बेहुला, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो।
द्रेवला प्रभु, मेरे अहोभाग्य, बार बार जन्म लेकर भी जिनके दर्शन के लिए आत्मा व्याकुल रहती है, आज उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन पाकर मैं पावन हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। तुम जैसी सती के चरणों से आज ये वैकुंठ धाम परम धाम बन गया। बोलो देवी, क्या चाहती हो? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं यमलोक और ब्रह्मदेव के पास होकर आपके शरण में आई हूं। मुझे मेरे पति से मिला दीजिए प्रभु, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए, मुझे भगवान पर दया करो, दया करो प्रभु। देवी, तुम्हारे पति का शरीर और प्राण शिव कन्या मनसा के पास है, तुम उनके पिता भगवान शंकर के पास शिवलोक में जाओ। शिवलोक में? प्रभु, ये आपकी कैसी लीला, क्या मुझे यहाँ से भी निराश होकर जाना होगा? बेहुला, निराश न हो, अब तुम्हें प्रार्थना नहीं न्याय मांगना होगा, जाओ भोलेनाथ से अपना न्याय मांगो, न्याय। भोलेनाथ, अब तुम मेरी भी धैर्य विश्वास का हिमालय टकबगा रहा है, जिस जो आज तक तुम्हारी भक्ति का मुकुट पहनकर सबके सामने ऊंचा रहा, आज मनसा से झुकाना चाहती है, तो सुन लो, अगर सूर्य अस्त हो जाता मेरी पुत्र वधु मेरे पुत्र को साथ लेकर वापस न लौटी, तो इसी शीश को मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा, तुम्हारे चरणों में अर्पण। प्रभु, कैलाश पति, भोलेनाथ, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो प्रभु। भगवान, आपकी पुत्री मनसा ने मुझसे मेरा सुहाग छीन, मैं चारों धामों की यात्रा करती हुई ठोकरें खाती हुई आपसे अपना सुहाग मांगने आई, मुझे मेरा सुहाग दे दो प्रभु, मुझे मेरा सुहाग दे दो। आप मौन क्यों है प्रभु, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती, क्या आप इतने निष्ठुर हो गए, बताइए क्या दोष है मेरा, क्या अपराध किया है मैंने? भोलेनाथ, क्या मेरे आंसुओं में अपनी कलम भिगोकर आप अन्याय का इतिहास लिखना चाहते हैं? बोलिए लक्ष्मीपति, क्या मनसा का पक्ष लेकर भोलेनाथ ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया? बोलिए ब्रह्मदेव। यमराज, बोलिए यमराज, बोलिए। आकाश, दशो दिशाओं, बोलो बोलो, ये क्या अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है। अवश्य अन्याय है, भयानक अन्याय है, घोर अन्याय है। अन्याय, 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 अन्याय। देवगणों, यदि अन्याय है तो मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, संसार में अब शिव शिव न रहेगा, मैं अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा। अनर्थ हो गया, अनादिकाल से स्थापित किया हुआ शिवलिंग
पूजा घर से अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया? भोलेनाथ हमसे रूठ गए। महादेवी, लगता है नागलोक पर लेकर मुंह में चला जाएगा। महादेवी, नागलोक ही नहीं सारी सृष्टि प्रलय के मुंह में चली जाएगी। नेत्री, तुम यह क्षमा कीजिए। महादेवी क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। कैसी प्रार्थना? संसार को प्रलय से बचाने की। आपके पिता भगवान शंकर स्वयं का अस्तित्व समाप्त करने जा रहे हैं। ये झूठ है। ये सच है। देवताओं ने बेहुला के सुहाग को मिटाने का कलंक भगवान शिव पर लगाया है। पिताजी पर कलंक? हाँ देवी, आज शिव मस्तक पर त्रिपुण नहीं कलंक का टीका लगा हुआ है। गंगा की धारा भी इस कलंक को नहीं मिटा सकती। नहीं नहीं, मैं इस कलंक को मिटा कर रहूंगी। भगवान शिव के अस्तित्व को कभी समाप्त न होने दूंगी। संसार की भलाई के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। पिताजी, माथे पर रक्त बहने दो इस रक्त को। आज मेरे सारे पाप मेरे सामने खड़े हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं किया। चंद्रधर को बार बार दुख दिए, अलका की भरी गोद सूने कर दी, तुम्हारा सुहाग छीना, यहाँ तक कि मेरे पिता मेरे कारण अपना अस्तित्व मिटाने जा रहे हैं। जाओ बेहुला, जाओ, तुम ही इन्हें शांत कर सकती हो। बेहुला जाओ। मैं शांत कर सकती हूँ? हाँ, तुम महान सती हो। सती असंभव को भी संभव कर सकती है। जाओ बेहुला, कैलाश पति को शांत करो। जाओ। देवादिदेव महादेव, संसार की भलाई के लिए आपने गंगा को धारण किया, हलाहल विष का पान किया, आज फिर लोक कल्याण के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर शांत हो जाइए प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। आवेश में आकर जो भी मैंने कुछ कहा उसे क्षमा कर शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए प्रभु, शांत। Thank you.
भगवान भगवान आप शांत हो गए, आप शांत हो गए। धन्य प्रभु धन्य। भगवान आपने सृष्टि को विनाश के मुंह में जाने से बचा लिया। आप कृपा करके मनसा देवी को भी क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। बेटी मनसा। पिताजी पिताजी अब तुम भी बेहुला के पति को जीवित कर दो प्रभु, इसे इसका सुहाग वापस लौटा दो। जो आ गया पिताजी। चंद्रधर। शंकर हर 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 चंद्रधर। देव आदि देव आप स्वयं मां मेरे इष्ट देव, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन देने चले आए, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर हम भी धन्य हो गए चंद्रधर। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, वो देखो। लक्ष्मी। पिताजी। लक्ष्मी पिताजी। पिताजी। बेटा बेटा मेरा बेटा। बहुरानी। पिताजी पिताजी। मेरी पुत्री, मेरी बच्ची, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा करके दिखा दिया। तुम भारत की महान नारी हो बेटी, तुम भारत की महान नारी। और तुम महान भक्त हो चंद्रधर। तुम्हारी भक्ति के सामने मेरी हठ हार गई। मैं तुम्हारे दूसरे बेटे भी वापस लौटा रही हूँ। मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? पिताजी इस खुशी के अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। मांगो नहीं बेटी, आदेश दो, क्या चाहती हो? माता मनसा को अपने पूजा के पुष्प चढ़ाकर उनका मान बढ़ाइए पिताजी। चंद्रधर चंद्रधर उठाओ पुष्प और अपनी महानता का परिचय दो। देवाज्ञा श्रोधारी नाग देवी मनसा, धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। चंद्रधर आज का ये शुभ दिन नाग पंचमी के नाम से पूजा जाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, सीता और सावित्री की तरह तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। सती बेहुला की जय। सती बेहुला की जय। सती बेहुला की जय।